आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जीके क्लासेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको मैंने लव जिहाद नाम दिया है ये जो लव जिहाद टॉपिक है वास्तव में बताऊं तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि करंट जीके में मर्ज होता ये एक नया टॉपिक है इससे पहले इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन नहीं बना लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही है और नई संभावनाएं हमारे सामने आ रही है नई चर्चाएं हमारे सामने आ रही है उस आधार पर पूर्ण रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पर अब क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है यह जो लव जिहाद होता है क्या होता है इसकी तो मैं चर्चा करूंगा ही लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह चर्चा में है क्यों आपने आज का न्यूज पढ़ा होगा मध्य प्रदेश के जो गृहमंत्री है नरोत्तम जी मिश्रा उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश लव जिहाद के संदर्भ में एक विधेयक लाएगा विधानसभा सत्र में और इसके खिलाफ कानून बनाएगा जिसके लिए पांच साल की सजा का प्रावधान रखते हुए इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है इस कारण से यह चर्चा में रहा और यह इस दृष्टि से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो लव जिहाद पर कानून बनाएगा तो दोस्तों करण जी के में मर्ज होते इस नए टॉपिक को मैं चाहूंगा आप प्रत्येक स्टूडेंट के पास शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर ले जो कि टेलीग्राम का लिंक है और हमारी ऐप का लिंक है लव जिहाद पर अब मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं और फिर इसको आज के अखबार से जोड़ूंगा हेडिंग डाल दीजिए लव जिहाद देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लव जिहाद क्या होता है यदि इसके अन्य नाम की बात करूं मैं रोमियो जिहाद रोमियो जिहाद के नाम से भी इसको जाना जाता है अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है डिफाइन कैसे करेंगे या आप कह सकते हो क्या होता है ये जनरल हम ये देखते हैं इसकी परिभाषा के संबंध में कि एक मुस्लिम पुरुष के द्वारा या मुस्लिम लड़के के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से प्रेम का ढोंग रचकर गैर मुस्लिम लड़की से विवाह करना ये लव जिहाद कहलाता है मैं इसको एक डायग्राम में आपको समझाना चाहूंगा ध्यान से समझना देखिए मुस्लिम लड़का है लड़का तो मुस्लिम और लड़की कौन है गैर मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़की अब आप देखिए गैर मुस्लिम समुदाय है इसका मतलब क्या निकला मुस्लिम समुदाय को छोड़कर जो भी समुदाय जैसे हिंदू ईसाई जैन पारसी बौद्ध जो भी वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये इधर मुस्लिम है इस्लाम धर्म से संबंधित है विवाह करना मतलब मुस्लिम लड़के के द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय की लड़की से विवाह करना क्लियर यह एक बात हो गई लेकिन इसका आधार क्या है पृष्ठभूमि क्या है इस विवाह की जो पृष्ठभूमि है जो बैकग्राउंड है वो धोखा होता है ध्यान रखना धोखा होता है या आप कह सकते हो प्रेम का ढोंग रखकर प्यार में धोखा देकर इस तरीके से यह विवाह करना मतलब मुस्लिम लड़के के द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय की लड़की से विवाह करना जिसका बैकग्राउंड क्या है प्रेम का ढोंग रखना धोखा देकर विवाह करना और इसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन मतलब गैर मुस्लिम समुदाय लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना ब्रेक में लिख दीजिए गैर मुस्लिम समुदाय की लड़की का धर्म परिवर्तन यदि यह इसका उद्देश्य है तो फिर हम इसे कहते हैं लव जिहाद लव जिहाद बोलते हैं जैसे आपको मैं एक बात बता दूं यहां पर सेफ अली खान मुस्लिम समुदाय से है करीना कपूर गैर मुस्लिम समुदाय की लड़की है ध्यान रहे ये लव जिहाद नहीं है यह लव जिहाद नहीं है उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं है क्लियर भी बात सारी ये प्रोग्राम यदि ये होता है प्रेम का ढोंग रचना जबरदस्ती शादी करना यह लव जिहाद है इसको लव जिहाद बोलते हैं सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी लव जिहाद के तहत नहीं आती है ये ध्यान रखें आप क्लियर हुई बात सारी तो लव जिहाद को हमने ऐसे परिभाषित किया एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि लव जिहाद क्या होता है अब हम बात करते हैं भारत में इस अवधारणा की चर्चा प्रारंभ कब हुई थी नेशनल लेवल पर इस अवधारणा का प्रारंभ कहां से माना जाता है इस तरीके का पहला मामला केरल में आया था 2009 में नेशनल लेवल पर और बाकायदा केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद के मामले की पुष्टि की थी मतलब उसकी सत्य की जांच की थी वो तो वो सत्य पाया गया था देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो स्वरूप होगा वो ये होगा राष्ट्रीय स्तर पर अवधारणा का प्रारंभ या आप कह सकते हो अवधारणा की चर्चा कब हमारे सामने आई 2009 में 2009 में आई और यह स्थान था केरल केरल तो केरल में लव जिहाद का पहला मामला आया था आपके यहां पर क्वेश्चन यह बनता है कि भारत का पहला राज्य जहां पर लव जिहाद से संबंधित पहला मामला सामने आया केरल और दूसरा जो राज्य है वो है कर्नाटक दूसरा कर्नाटक है क्लियर आइए अब जो केरल में लव जिहाद का मामला सामने आया तो केरल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 2017 में 2017 में केरल हाई कोर्ट ने यह कहा कि लव जिहाद के आधार पर जो भी विवाह हुए हैं वो अमान्य है लव जिहाद के आधार पर जो भी शादियां हुई है जो विवाह हुए हैं जो मैरिज हुई है वो अमान्य है ये केरल हाई कोर्ट ने कहा तो ऐसे लिखिए 2017 में केरल हाई कोर्ट का फैसला लव जिहाद पर आधारित विवाह अमान्य उन्होंने अमान्य कर दिए बातें चलती रही 2018 2019 आया अब यहां पर जो करंट है वो ये है कि मध्य प्रदेश लव जिहाद पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बनेगा आगे जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा लिखिए मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बनेगा जो लव जिहाद पर कानून बनाएगा अब आगे की स्थितियां देखते हैं क्या होगी और इसमें जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है सजा के रूप में पांच वर्ष सजा का प्रावधान होगा और सबसे बड़ी बात ये जो लव जिहाद होगा ये गैर जमानती अपराध होगा जमानत भी नहीं होगी तो एक तरीके से क्या होगा ये एक कठोर कानून होगा तो आने वाले समय में जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी रूपरेखा मैंने आपके सामने पेश की है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके का नया करंट जीके है जिसमें हम इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं तो ध्यान रखे एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए तो दोस्तों आज हमने करंट जीके में मर्ज होते एक नए टॉपिक को जानने का प्रयास किया मान के चलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नेशनल लेवल पर चर्चित है और कई बार भारतीय नेताओं के द्वारा इसके बारे में पुष्टि भी की जाती है और इस आने वाली समस्या के निवारण के संदर्भ में कुछ बातें भी रखी जाती है तो मेरा ऐसा मानना है एग्जामिनर की नज़र ऐसे टॉपिक्स पर रहती है तो दोस्तों इस लेक्चर को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर करें लाइक करें ताकि अन्य लोगों तक इस तरीके का मैटर पहुंच सके और आने वाले एग्जाम में जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने अब तक के आपको बता दिए हैं आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा उसको आप जानते ही हो यूट्यूब पर हम इसको साथ साथ करते रहेंगे तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार